Very warm good evening to all. Today's subject is about the custody of the children. बच्चों की कस्टडी को लेकर हमेशा वाद विवाद रहा है और वो वाद विवाद तब होता है जब दो पेरेंट्स अलग होते हैं. तो मैरिज इज अ वेरी सेक्रेट रिलेशनशिप बट वेन इट ब्रेक्स इट बिकम्स वेरी डर्टी इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट. एंड द मोस्ट सबसे ज्यादा सफरर जिसका ओपिनियन को कोई मतलब नहीं है वो उन बच्चों की बात आज होने वाली है. तो जो दोज हुआर चिल्ड्रन स्मॉल दे कैन नॉट फॉर्म एनी ओपिनियन कि उनको किसके साथ रहना है एंड नीदर दे आर गिवन एनी चॉइस कि दे कैन चूज विच ऑफ द पेरेंट्स. समटाइम इट डज हैपन दे चूज वन ऑफ द पेरेंट्स बट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वॉन्ट्स टू स्टे टूगेदर गिवन अ चॉइस कि आई हैव सीन इन द कोर्ट्स जजेस टेकिंग इंटरव्यू ऑफ द चिल्ड्रन एंड उनको पूछा गया कि आपको किसके साथ रहना है. तो द आंसर वॉज सो क्यूट एंड इट्स सो इमोशनल कि मुझे दोनों के साथ रहना है. इवन द जज सिटिंग प्रिसाइडिंग जज वॉज स्पीचलेस गॉट इमोशनल कि क्या बोलना चाहिए इन बच्चों के लिए कि इन बच्चों के लिए तो भी आप साथ में रहिए. बट देर आर सर्कमटेंसेस वेयर द स्पाउसेस गेट सेपरेटेड एंड दो चीज़ों पर जो मैटर फैमिली कोर्ट्स में अटकता है वन इज एलिमनी अनदर इज चिल्ड्रन कस्टडी. Alimony can be sorted out because there are documentary proofs कि उनका salary कितना है, what is the requirement of the child. But what about the custody? Custody is very emotional thing. It's very difficult to sort out. There are canon of judgments which we are going to discuss in today's session. But then sometimes it is too difficult to find out कि बच्चे को किसके पास देना है. And this situation become worse when both the parents dies. तो जब दोनों पेरेंट्स भी डाई अगर नहीं है तो फिर किसके पास जाएंगे बच्चे और उनके जो प्रॉपर्टीज है उनका भी क्या होगा. तो ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड इशू हो जाता है. तो देर आर सम जजमेंट्स विच गाइड्स अस कि कस्टडी आखिर जाती किसके पास है. वी विल टेक अ स्टेप बाय स्टेप इफ देर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इफ दे गो टू फैमिली कोर्ट. नॉर्मली जो हमारे देश का है कि लेडी है वो बच्चे को संभालती भी है और वो काम पर भी जाती है और शी कैन गिव मोर टाइम मोर डिवोट मोर टाइम. तो जो कस्टडी है मोस्टली वो मदर को दिया जाता है. बट इफ यू लुक इनटू हिंदू मैरिज एक्ट तो जो नेचुरल गार्जियन है वो आज भी फादर ही है एंड इन द एब्सेंस ऑफ मदर इन द एब्सेंस ऑफ फादर द मदर बिकम्स द नेचुरल गार्जियन. तो मदर को अभी भी पहला दर्जा नहीं दिया गया है. बट व्हेन इट कम्स टू कस्टडी इफ यू सी 90-95% कस्टडी मैटर्स में मदर को कस्टडी दी जाती है. अगर वो लड़का छोटा है तो मदर के पास जाता है. लड़की अगर छोटी है बड़ी है छोटी है तो नेचुरली वो मदर के केयर एंड कस्टडी में रहेगी और वो बड़ी होती है तो बिकॉज ऑफ द प्यूबर्टी रीजन कि वो उसको फ्यूचर में माँ की ज्यादा जरूरत है जैसे जैसे वो उम्र में बड़ी होती है उस रीजन की वजह से भी उसकी कस्टडी कई बार लेडी को दी जाती है जो लेडीज मदर को दी जाती है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ वुमेन हु गेट्स द कस्टडी एंड देयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स कि व्हेन द वुमेन जो लेडी है अगर वो हस्बैंड को उस बच्चे के फादर को अगर उसको बच्चे को मिलने नहीं देती है तो वहां से झगड़ा शुरू होता है. विजिटेशन राइट नहीं होता है या फिर कई बार जो क्रिसमस होते हैं या फिर दिवाली वेकेशन होते हैं समर वेकेशन होते हैं दोज आर नॉट गिवन. उन दोनों में जो खींचतान होती है उसका सफर बच्चा करता है. पर सेम टाइम पर कोर्ट में आप देखेंगे इतनी अर्जियां पड़ी है कि कभी कभी सोचते हैं ये लोग लड़ क्यों रहे हैं इन बच्चों के लिए और अगर इतना लड़ रहे इतना बच्चों से प्यार में साथ में क्यों नहीं रहते. तो दिस हैपन्स बट देन इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब एंड प्रोफेशन यू कांट अवॉइड इट बट एट द मोस्ट यू कैन सॉर्ट इट आउट एज अ लॉयर. मैंने कभी अपने 21 ईयर्स के करियर में आई हैव नेवर अपोज द एक्सेस एप्लीकेशन. कस्टडी वी कैन डिमांड आई कैन अंडरस्टैंड कि कस्टडी तो उसका राइट है जो चाहता है कि बच्चा उसके पास रहे वो उसका ग्रोथ कर सकता है उसका वेलफेयर अच्छा से देख सकता है. बट अगर हम अपोजिट स्पाउस को विजिटेशन राइट भी नहीं देंगे देन इट बिकम गेट मोर डर्टी इन द कोर्ट एंड उस बच्चे पर भी इसका बुरा असर होता है. तो एज अ लॉयर दोज हु आर प्रेजेंट आई वुड ऑलवेज से कि विजिटेशन राइट को हमें कभी भी मोस्टली विरोध नहीं करना चाहिए कि बच्चे को दोनों पेरेंट्स की जरूरत है. और 90% विजिटेशन राइट कभी बार मैंने ये भी देखा है कि हम लोग मना करते हैं इसलिए सामने वाला ज़्यादा मांगता है.
तो विजिटेशन राइट मना नहीं करना चाहिए, उससे उसको फादर का प्यार भी मिलता है एंड फादर ऑल्सो अंडरस्टैंड कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कीपिंग दी चाइल्ड. मदर गेट्स टाइम, आई टेल सम टाइम माई वुमेन लेडी क्लाइंट्स कि उसके फादर को भी संभालने दीजिए ना, उनको भी पता चले कि बच्चे को दो बार नाश्ता देना पड़ता है, दो बार खाना देना पड़ता है टाइम से, उसकी चीजें, उसकी बुक्स लानी पड़ती है, वो स्कूल की चीजें, उसका प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है. तो लेट दी फादर ऑल्सो अंडरस्टैंड दी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जब वो मदर मना करती है तो दिस इज द वे आई एक्सप्लेन देम कि आप इस तरह से भी हैंडल कर सकती है. एंड मुझे याद है मेरे कस्टडी केस था, उसमें वो फादर ने बोला हमको एक महीना बच्चा चाहिए, तो मैंने मेरे क्लाइंट को बोला इनको ले जाने दीजिए, कि उन्होंने बच्चों को पहले पास में कभी दो दिन भी नहीं रखा था, बच्चा सिर्फ 7 ईयर्स का था. तो जब हमने हाँ बोला तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मुझे तो सिर्फ 6 ही दिन के लिए बच्चा चाहिए, ओनली दिवाली वेकेशन में थोड़े दिन अपने पास रखूंगा. तो देखिए इस ऑलवेज नॉट, आपको मतलब सामने वाले ने ज्यादा लिख दिया, इसके लिए आपको डरना भी नहीं है. एंड सेकेंडली, ही इज अ फादर ऑफ द चाइल्ड, व्हाई ही विल नॉट टेक द कस्टडी एंड व्हाई ही शुड नॉट बी अलाउड द एक्सेस ऑफ द चाइल्ड, ही हैज गॉट इक्वल पेरेंट्स, इक्वल राइट्स, क्योंकि बच्चा आपका अकेला का नहीं है. वी अंडरस्टैंड चाइल्ड इज अ प्रॉपर्टी. अगर आप चाइल्ड को आपने प्रॉपर्टी समझ लिया है तो सबसे डिफिकल्ट होता है. चाइल्ड ये इमोशनल, मतलब किसी का प्रॉपर्टी नहीं, आप इमोशनली अपने पास रख ले कि ये मेरा इससे लगाव जुड़ा हुआ है. वो उस बच्चा जितना मदर का है उतना ही फादर का है. नाउ कम्स टू दी कोर्ट, व्हेन इट कम्स टू दी तो कस्टडी 90% मदर को मिलती है, वुमेन को मिलती है, अनलेस द वुमेन गिव्स अप द कस्टडी और देर इज अ मैन हु फादर हु इज एबल टू शो सम रीजन कि मदर इज अ नेग्लिजेंट और वेरी हार्मफुल टू द चाइल्ड. इन दोज केसेस द कस्टडी गोज टू द फादर और possibly the mother gives up the custody willingly for some reason, whatever reason, वो नहीं ले पा रही है custody कोई reason से, उस समय उसको visitation right मिलता है. जैसे जैसे समय आधुनिक होता जा रहा है 90% matters तो मतलब solve हो जाते हैं, custody का पहले जितना झगड़ा नहीं होता है. But when the inter country भी होता है या interstate होता है, बच्चा जब पुणे बॉम्बे तो फिर भी ठीक है, but if one is in मध्य प्रदेश जाना, तो इन महाराष्ट्र या दिल्ली में है, या फिर कभी यूएस में है और सिंगापुर में है, और यहाँ भारत देश में एक पेरेंट यहाँ रहना चाहता है, उस समय बहुत डिफिकल्टी. तो ऑलवेज यू शुड रिमेम्बर कि ये सारी चीजें को भी हमें ध्यान में रखना है कि जब कस्टडी, देर आर सम जजमेंट विच आई विल डिस्कस. तो अगर कोर्ट कस्टडी देता है, जब पेरेंट दोनों पेरेंट्स लड़ते हैं कोर्ट में, तो जो कोर्ट कस्टडी देता है वो कौन से बिना पे देता है? तो वो इसलिए नहीं देता है कि किसी पेरेंट की फाइनेंशियल पोजिशन बहुत अच्छी है, इसके लिए कभी कस्टडी नहीं मिलती है. पोजीशन या फिर उसका उसका घर बड़ा है, या उसके घर में उसके माँ बाप उस बच्चे को देख सकते हैं, डेट मे बी वन एंसिलरी रीजन. लेकिन जो नेचुरल गार्जियन है मदर और फादर, तो पहले दो फादर इज अ नेचुरल गार्जियन एज पर हिंदू लॉ के हिसाब से, देन ऑल्सो कस्टडी गोज टू मदर बिकॉज शी कैन डिवोट मोर टाइम. डेट इज वॉट द कोर्ट थिंक्स. एंड कोर्ट का जो नजरिया है कि अगर फादर ने दूसरा शादी कर लिया तो वो जाएगा काम पर, और स्टेप मदर के पास बच्चा रहने से चाहे वो अपनी रियल मदर के पास रहे. दिस इज ऑल्सो एन आइडिया सम टाइम वाइल गिविंग द कस्टडी, बिकॉज मैन मोस्टली री मैरिज, ऐसा कहा जा रहा है. वुमेन मे नॉट मैरी, दिस इज एन एक्सेप्शन. इट में मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. तो एक जजमेंट ऐसा कहता है कि अगर आदमी ने वापस शादी कर ली है फादर ने, और जो बच्चा है अगर माँ कस्टडी मांग रही है तो उसको दे देना चाहिए माँ के पास कंटिन्यूस कस्टडी, क्योंकि वो स्टेप मदर के रहने से अच्छा है कि वो अपनी माँ के पास रहे, क्योंकि फादर वो जॉब के लिए बाहर जाएगा, अपने बिजनेस के लिए बाहर जाएगा. दिस हैपन्स नॉर्मली. नाउ अगर आप बच्चे का कस्टडी का केस फाइल कर रहे हैं तो कोर्ट क्या डिसाइड करता है? वो फाइनेंशियल पोजिशन नहीं देखता है, वो देखता है कि बच्चे को कौन ज़्यादा समय दे सकता है, बच्चे का ग्रोथ किस पर है, और कौन उसको सबसे ज़्यादा उसका वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, हु इज मोर इंटरेस्टेड, उसका करियर, उसका एजुकेशन, उसका मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ के लिए जो वातावरण एनवायरनमेंट है वो कहाँ पर सही है. तो कई बार जो लेडी होती है वो कहती है कि मेरे पास, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ, तो माय पेरेंट्स कैन आल्सो टेक केयर अलोंग विद मी. कभी कभी जो हस्बैंड फादर होता है वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स ओल्ड है, फिर दे आर ऑल्सो स्टेइंग विद मी, तो दे कैन ऑल्सो टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड. तो दिस ऑल्सो टेक्स, ये सारी चीजें भी होती है. बट एट दी मोस्ट आई विल टेल यू कि जब भी कस्टडी केस कोर्ट के सामने आता है, और अगर आपने कुछ समय के बाद कस्टडी केस डाला है, देर इज अ चांस कि आपके हारने का चांस ज्यादा है, क्योंकि जिसके पास बच्चा है नॉर्मली बच्चा उसी के पास कंटिन्यू करता है. कोर्ट कहता है कि एक पौधे को हमने कहीं पर लगा दिया है, प्लांट कर दिया है,
उस प्लांट को उठा कर उखाड़ कर हम दूसरी जगह नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें शायद उसको बीच में ले जाने से उसका जो वातावरण एटमॉस्फेयर जो बच्चा यूज टू हो गया था वो शायद उस बच्चे के लिए नए वातावरण में वो उतना पल नहीं पा, उसको पालन पोषण अलग तरह से होगा, जो द वे द स्टाइल द एनवायरमेंट विच वॉज गिवन टू हिम फॉर इयर्स कैन नॉट बी टेकन अवे। मतलब कई बार मदर के पास बहुत समय कस्टडी रही फिर फादर आया, या फादर के पास बहुत समय कस्टडी रही और फिर मदर आई कस्टडी के लिए, मुझे कस्टडी मिलनी चाहिए मैं अभी हाउस वाइफ हूँ, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस डज नॉट हैपन। ऑलवेज रिमेंबर कि बच्चे का कस्टडी जहाँ रहता है वहीं रह जाता है। आई टेल माई क्लाइंट्स कि अगर आई हैड अ क्लाइंट हु वॉज वर्किंग आउट ऑफ मुंबई एंड चाइल्ड वॉज विथ फादर एंड शी वॉज टेलिंग कि नहीं नहीं मुझे बच्चे का कस्टडी चाहिए, मे बी देन यू हैव टू लीव द जॉब बिकॉज यू कैन नॉट हैव जॉब आउटसाइड दी मतलब जो एरिया है बच्चा का, आप कहीं बाहर काम कर रहे हो बच्चा फादर के पास एंड देन यू वांट कस्टडी, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि कोर्ट कहेगा कि आप जहाँ काम कहीं बाहर कर रहे हो और बच्चे का स्कूल यहाँ पर स्कूल रेगुलर चल रहा है, वो 8 साल एक ही स्कूल में जा रहा है, नाउ सडनली यू कांट चेंज द स्कूल अनलेस द फादर परमिट्स, और वो बच्चा 3-4 साल उनके पास ही रहा था ग्रैंड पेरेंट्स के पास, जो पेरेंटल साइड के थे फादर के साइड के उन्हीं के पास रहा था, तो कोर्ट ने अलाउ नहीं किया, तो आइदर शी हैज टू लीव जॉब एंड शी हैज टू कम डाउन, तो शी हैज टू पे अ बिग प्राइस, शी डिड इट एंड द चाइल्ड का बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ बाद में, वो स्कूल में फर्स्ट आने लगा उसकी, तो बाद में फादर ने बहुत कोशिश की उसकी कस्टडी वापस लेने की, बट द मदर का जो कमिटमेंट था, तो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड हैज टू बी सेम। तो कोर्ट जब भी देखता है वो एज नहीं देखता है। कई बार मुझे फोन आता है बच्चा 5 साल का होने के बाद वो फादर को मिलेगा, लड़की बड़ी होने के बाद फादर के पास आ सकती है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे का ओपिनियन सिर्फ 8-9 साल के बच्चे का ओपिनियन पूछा जाता है इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड इंटरव्यू जजेस टू टेक, बट वो इंटरव्यूज कब लिया जाता है, जब चाइल्ड ऐसा मेंटल स्टेट में हो कि वो अपना इंटेलिजेंट ओपिनियन फॉर्म कर सकता है, वो बात कर सकता है एंड ही कैन गिव कि नहीं मुझे फादर या मदर के पास रहना है। That choice is given at the last moment. Child interview is one. और child interview का सबसे बड़ा धोखा है कि उसको tutor करके भी लाया जा सकता है। तो courts बाकी के evidence भी court के सामने देखता है कि who is giving more time. तो basic thing is the welfare of the child has to be seen कि बच्चे का कल्याण, बच्चे का growth, बच्चे का education, बच्चे का almost together complete growth किस parent के पास है, that has to be seen. तो this always remember, ये इस बात को ध्यान रखेगा कि child का age नहीं देखा जाता, माँ बाप की financial position नहीं देखी जाती, welfare of the child, who can give devote more time, जो devotion है बच्चे का, naturally दोनों parents उसे प्यार करते हैं लेकिन समय कौन ज़्यादा देगा, time is money according to few people, तो समय कौन देगा सबसे ज्यादा उस बच्चे के लिए, उसी को बच्चे की कस्टडी अवार्ड होती है। ये बात मतलब आप अंडरलाइन कर सकते हैं, एंड देयर आर मेनी जजमेंट्स, वो किसी एज के बारे में नहीं बोलते हैं, वो ऐसे भी केसेस है जिसमें फादर और मासी, मतलब माँ एक्सपायर हो गई तो मासी मतलब उनके वाइफ की बहन को दे दी गई, साली को दे दी गई कस्टडी, दीज आर देयर आर मैटर्स कि ग्रैंड पेरेंट्स को दी दी गई फादर को नहीं दी गई, बट देयर वाज अ रीजन बिकॉज वो बच्चा उन्हीं के पास ग्रो हुआ था और अब फादर बीच में आके बोला कि नहीं मुझे चाहिए। अगर 4-5 साल के बाद आप किसी बच्चे को मांगोगे आपके खुद के, तो कोर्ट विल नॉट अलाउ, क्योंकि वो पौधा कहीं पर ग्रो हो रहा है वहां से उखाड़ कर कोर्ट आइडिया बिहाइंड दैट कि बच्चे को वहां से उठा के एक वातावरण से दूसरे वातावरण में नहीं डाला जा सकता जिसकी कोई गारंटी नहीं है बच्चा एक वातावरण में पल रहा है, दिस वॉज मोर इम्पोर्टेंट। देन सेकेंडली, जब बच्चा के कस्टडी का केस आप कहाँ फाइल कर सकते हैं, द रूल बिहाइंड दिस कि बच्चा जहाँ पर है वहीं पर हो सकता है, आप पूना में रह रहे हो, बच्चा अगर बॉम्बे में है तो आपको कस्टडी केस बॉम्बे में ही फाइल करना पड़ेगा। बच्चा कहाँ से लाया है और कौन से एरिया में कस्टडी केस का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर आप देखेंगे जब भी आप फाइलिंग डिपार्टमेंट जाएंगे वो बोलेंगे बच्चा कहाँ पर है, कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है। देयर इज अ एक्सेप्शन टू दिस, कई बार बच्चा, मैंने एक बार एक केस फाइल किया था मुंबई में ही, और बच्चा कहीं पर मध्य प्रदेश में लेके गए थे तो वो बोलते हैं कि नहीं आपको तो मध्य प्रदेश जाके केस फाइल करना पड़ेगा, तब मैंने उनको कहा कि बच्चा लॉफुल कस्टडी में से लेकर चले गए हैं कुछ लोग, उस बच्चे का एक पेरेंट नहीं था और मैं एक पेरेंट के लिए कर रही थी, तो ग्रैंड पेरेंट्स आके जबरदस्ती बच्चे को लेके गए थे मामा मामी, तो मैंने बोला लॉफुल कस्टडी में से बच्चे को लेके गए, उस समय उन्होंने वो ज्यूरिडिक्शन क्रिएट होने दिया, अदरवाइज जहां बच्चा है वहीं पर आपको केस फाइल करना है। इसमें एक और चीज आता है कि क्या कस्टडी केस में बहुत समय लगता है, तो कुछ लोग इसका शॉर्टकट ले लेते हैं, वो शॉर्टकट है हैबियस कॉर्पस,
तो जब भी आप और हबियस कॉर्पस ये दो ही कोर्ट में फाइल होती है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। अगर इंटर स्टेट है, दो राज्यों के बीच में है, इधर मध्य प्रदेश एंड दिल्ली, तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगा। लेकिन महाराष्ट्र में ही एक जगह है या दिल्ली में वहीं पर है, तो वहां के रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में। तो हबियस कॉर्पस का मतलब ही बेसिक ये होता है लॉ में कि जो भी बॉडी है, जो भी व्यक्ति है, उसको हाजिर किया जाए कोर्ट में के सामने। वो किसी प्राइवेट आदमी व्यक्ति के पास भी हो सकती है, उसको पुलिस ने भी डिटेन किया हो सकता है, कुछ और भी रॉन्गली रॉन्गफुल डिटेंशन के बारे में। तो हबियस कॉर्पस ये बहुत शॉर्टकट लिया जाता है कस्टडी केस में, तो कोर्ट अलाउ नहीं करता है, बट देर आर जजमेंट जिसमें कोर्ट ने इंटरवीन किया है 226 की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यूज कर बच्चे की कस्टडी उस पेरेंट को दी है जो गलत किसी और पेरेंट के हाथ में चले गई या ग्रैंड पेरेंट्स के हाथ में चले गए। देर इज अ जजमेंट अबाउट ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो। नाउ वी गो टू फ्यू जजमेंट्स। फर्स्ट जजमेंट आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट तेजस्विनी गौड़ वर्सेस शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी। मैंने अभी कहा कि मासी को कस्टडी दी गई है कुछ केस में, अभी इस केस में मासी को नहीं दी गई है कस्टडी। इस केस में तेजस्विनी गौड़ का केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें जो दो लोगों ने शादी कर ली थी, उसमें जो लेडी थी, मदर थी बच्चे की, उनको कुछ ऐसा डिसीज हो गया था कि शी वॉज अबाउट टू, उनको जब प्रेगनेंसी के दौरान डिसीज हो गया था, तो एंड शी सकम टू दैट। और इस दौरान जब बच्चा पैदा हुआ, उसी दौरान जो फादर था उसको भी कोई ऐसी टीबी जैसी बीमारी हो गई, जिसकी वजह से वो भी हॉस्पिटलाइजेशन थे। तो ऐसे समय में बच्चा रहा ननिहाल में मासी के पास और मामा के पास और वहाँ के लोगों के पास, मतलब वो पीहर में रहा। तो जब वो मैटरनल पेरेंट्स के पास रहा, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहा या तेजस्विनी गौड़ मासी के पास रहा, तो बच्चा वहीं बड़ा होते गया। लेकिन जब ये भाई साहब ठीक हो गए, तो शेखर जी ने हबियस कॉर्पस किया कोर्ट में कि मेरा, मैं फादर हूँ तो बच्चा मुझे मिलना चाहिए, मैं बीमार था और मेरी वाइफ नहीं है अभी, तो ये बच्चा नहीं रख सकते। तो बच्चा इनको दिया गया, लेकिन मैटर वेंट अप टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाई कोर्ट ठीक था, क्योंकि वो तेजस्विनी गौड़ का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका कहना था कि हाई कोर्ट हबियस कॉर्पस में कैसे किसी को कस्टडी दे सकती है। तो जो कोर्ट ने कहा कि 226 का पावर्स यूज करके लीगल राइट्स का प्रोटेक्शन किया जा सकता है, तो ऐसा फादर और मासी या मामा, इनमें अगर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी को देना चाहिए तो फादर को जाए। एंड हियर दिस वाज अ पोजीशन जिसमें मदर एक्सपायर हो चुकी थी बीमारी से, फादर खुद बीमार थे, हॉस्पिटलाइजेशन थे, और वो हॉस्पिटल में थे, इस वजह से बच्चा उनके पास नहीं रहा। व्हेन ही बिकम हेलन हार्टी, तो नेचुरली ही वांटेड हिज चाइल्ड बैक, तो वो उनको ऐसा नेचुरल फादर, हिंदू लॉ में के हिसाब से वो नेचुरल गार्जियन भी थे, तो पहला तो उन्हीं को मिलना चाहिए। तो उनको मिला वो बच्चा, बट मैटर वेंट अप टू सुप्रीम कोर्ट। तो तेजस्विनी गौड़ जस्टिस भानुमति का मैडम का जजमेंट है ये, डू रीड इट, और काफी अच्छा डिस्कशन हुआ है। एंड हबियस कॉर्पस का इस्तेमाल फैमिली मैटर्स में भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, 226 का पावर्स कैसे कोर्ट यूज कर सकता है हाई कोर्ट, उसके बारे में है। तो यू मस्ट रीड दिस जजमेंट तेजस्विनी गौड़, एंड इट शोज कि व्हेन वन पेरेंट इज नॉट देयर, और कभी कभी जो मायके वाले लोग होते हैं वो बच्चे को ले जाते हैं, या कभी कभी फादर एक्सपायर हो जाता है और मायके वाले लोग होते हैं वो जो ससुराल वाले लोग हैं उनको बच्चा मिलने ही नहीं देते, तो उस समय ये सारी पावर्स यूज की जा सकती है। नेक्स्ट जजमेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग, कुमार जागीरदार वर्सेस चेतना रामतीर्थ। अनिल कुंबले का नाम सबने सुना होगा, बहुत बड़े क्रिकेटर है, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है। उन्होंने जिनसे शादी की थी उनका नाम चेतना रामतीर्थ है, ये जजमेंट रिपोर्टेड है और काफी न्यूज़पेपर्स में भी आया था। तो अनिल कुंबले जी की शादी चेतना मैडम से हुई थी, और चेतना मैडम को पहले मैरिज से ऑलरेडी बच्चा था जो कुमार जागीरदार, और उनके पास जॉइंट कस्टडी की तरह था। लेकिन जब इनकी शादी हो गई तो नेचुरली जो कुमार जागीरदार थे वो अपने बच्चे के लिए इनसिक्योर हो गए, क्योंकि ही नेवर वांटेड ही चाइल्ड टू बी वो स्टेप फादर के पास पले, तो ही वांटेड कि वो चाइल्ड उनके पास है। और उस समय जब शादी नहीं होती तब के दोनों का डिवोर्स होने के बावजूद दोनों बच्चों लड़की दोनों के पास बराबर रहती थी, ऑल्टरनेट वीक रहती थी, कोई झगड़ा नहीं था। द मोमेंट शी गॉट मैरिड नेचुरली देर वॉज सम
कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गया, और अनिल कुंबले बीइंग अ क्रिकेटर तो उनका जो लाइफस्टाइल, मीडिया एक्सपोजर और सारी मतलब बातें, पब्लिक एक्सपोजर, बहुत कुछ अलग चीजें थी। तो उनको लगा कि ये बच्चा तो बेटी है, जो मेरी बेटी, जो फादर है, उनको लगा कि वो मुझे बेटी तो मेरे पास से दूर चली जाएगी। इन दो सिचुएशन ये मैटर फैमिली कोर्ट में भी चला, हाई कोर्ट में भी चला कर्नाटका, एंड व्हेन इट वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी वो बच्चे को पूछा गया कि आप किससे खुश है, तो द चाइल्ड, काफी लड़की काफी बड़ी थी, तो उसने कहा कि मैंने, मुझे दोनों पेरेंट्स पसंद है। उसने अपने स्टेप फादर के बारे में, अनिल कुंबले जी के बारे में भी कुछ गलत नहीं बोला। इनफैक्ट अनिल कुंबले का जो डिपोजिशन था कोर्ट के सामने कि आई हैव नथिंग अगेंस्ट द फादर टेकिंग विजिटेशन राइट, बट जो मदर मेरे साथ शादी कर चुकी है वो बच्चे का राइट्स मांग रही है और वो बच्चा हमारे साथ रहना चाहिए। दूसरा, वो मदर थी वो फैमिली वे में थी, तो देर वॉज अ चांस ऑफ सेकेंड चाइल्ड कमिंग इन द फैमिली, जिनका अनिल कुंबले के साथ शादी हुआ था, तो बच्चे के लिए, और वो लड़की थी, तो एज शी वॉज रीचिंग एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, तो उसके लिए भी लड़की का माँ के पास रहना जरूरी है। तो दिस वे द कस्टडी वेंट बैक टू द मदर ओनली, दो पहले जॉइंट कस्टडी ऑल्टरनेटिव उनका अरेंजमेंट था। तो दिस वे इट वॉज, देखो मदर ने वापस रीमैरिज कर लिया तो भी कस्टडी उसके पास रही, बट देन शी वॉज एबल टू शो कि बच्चे को अच्छा वातावरण मिलेगा। इसमें दोनों पार्टी का फाइनेंशियल पोजिशन काफी अच्छा था, बट दी कस्टडी वॉज अवॉर्डेड टू द स्टेप फादर। स्टेप फादर को कस्टडी कहा ऐसा नहीं, लेकिन उनके पास रहेगी वो बच्ची, ये कह सकते हैं, और जो चेतना मैडम थी उनके पास वो बच्चा रहा। तो दिस वॉज अ वेरी फेमस केस कि अगर रीमैरिज भी होता है तो भी बच्चा आपके पास रह सकता है। यू शुड ओनली एबल टू शो द न्यू पर्सन कमिंग इन आवर लाइफ विल बी एज अफेक्शनेट एंड केयरिंग एज यू आर। बच्चे को कुछ उससे हार्मफुल नहीं हो, हार्मफुलनेस नहीं फील हो, या उसको वातावरण में कुछ अलग नहीं हो, एनवायरमेंट में अलग नहीं हो, ये पता चले, उसको ये लगे कि मैं किसी और के घर में रह रही हूँ। तो द न्यू पेरेंट कमिंग इन द लाइफ योर लाइफ उस बच्चे के, अगर वो उसको उतना प्यार देगा तो कोर्ट उसका कस्टडी भी पहले वाले पेरेंट्स को नहीं देगा जिनके पास कस्टडी नहीं थी। इसमें एक और हम केस देख सकते हैं, अनवेड मदर का केस है। अब अनवेड मदर इलेजिटिमेट चिल्ड्रंस के बारे में क्या कहेंगे, अगर वो उनकी कस्टडी किसके पास होनी चाहिए? तो लॉ इज वेरी क्लियर कि इलेजिटिमेट चाइल्ड का फादर इज नॉट ए फर्स्ट गार्जियन या फर्स्ट नेचुरल पेरेंट, उसका नेचुरल गार्जियन फर्स्ट मदर रहेगी, बिकॉज इट इज एन इलेजिटिमेट चाइल्ड। देर इज अ जजमेंट ऑल्सो, ए बी सी वर्सेज स्टेट, 2015 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इट स्पीक्स अबाउट अनवेड मदर्स राइट, अगर वो अपने बच्चे को किसी का नाम नहीं भी देना चाहती है क्योंकि शादी नहीं हुई है, एंड शी कैन नॉट बी फोर्स टू डिस्क्लोज द फादर्स नेम एज वेल, दैट मीन्स उसके पास कंप्लीट कस्टडी है। अच्छा, एक और छोटा चीज इसमें आ जाता है, क्या ग्रैंड पेरेंट्स को भी अधिकार होता है अपने बच्चों से मिलने का? ऑफकोर्स बिल्कुल होता है ग्रैंड पेरेंट्स को, और इसके बारे में एक छोटा सा जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट का, माइनर पूर्वेश वर्सेस मथैया, 2019 का जजमेंट है। इसमें जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनको विजिटेशन राइट, उनका बेटा एक्सपायर हो गया था, और जो वाइफ थी वो कुछ ना कुछ, जो विडो अभी हो चुकी थी, वो कुछ ना कुछ रीजन से बच्चे को मिलने नहीं देती थी, कुछ ना कुछ कुछ भी कहती थी, बट इन ग्रैंड पेरेंट्स ने गार्जियनशिप वार्डशिप में एक्ट में एप्लीकेशन की कि मुझे, हमें बच्चा कस्टडी चाहिए और विजिटेशन राइट चाहिए। ऑफकोर्स उनको कस्टडी नहीं मिली बिकॉज उनके बच्चों की माँ जिंदा थी, लेकिन उस बच्चों का उनको ये जरूर मिला कि वो बच्चे को मिल सकते हैं, और जब भी चाहे वो मिल सकते हैं, और उसका कुछ उन्होंने कंडीशंस रखा था कि ऐसे समय विजिटेशन राइट है, तो ग्रैंड पेरेंट्स को भी विजिटेशन राइट मिलता है। देर इज अ वन मोर जजमेंट ग्रैंड पेरेंट्स का, मलकियात कौर वर्सेज संतोष कौर, ये चंडीगढ़ हाईकोर्ट का जजमेंट है। इसमें विजिटेशन राइट मना किया था ग्रैंड पेरेंट्स को, बट देर वॉज अ रीजन, उसमें जो लेडी थी उसके हस्बैंड कहीं पर चले गए थे, 9 साल से कुछ अता पता नहीं था, शी मैरिड अनदर पर्सन, और तो उन्होंने, ये जो ग्रैंड पेरेंट्स बोले वो बाइगेमी कर लिया, ऐसे बहुत सारे आरोप लगाए और बच्चा चाहते थे, लेकिन चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने बच्चे का विजिटेशन राइट नहीं दिया क्योंकि 9 साल उन्होंने बच्चों से कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया था, ना उसको लिए कुछ एक्सपेंसेस दिए थे।
So maybe it was out of property or some other reason, but court was not kind in giving custody to them or even a visitation right, because 9 साल बच्चों से बच्चे से उनका कोई दादा दादी का कोई कॉन्टेक्ट नहीं था. तो देर आर केसेस वहाँ जहाँ मतलब विजिटेशन एंड ग्रैंड पेरेंट्स को दिया जाता है एंड देर आर केसेस वहाँ नहीं भी दिया गया है. तो द की बिहाइंड दिस कि अगर आप बच्चे के केयर करते कस्टडी करते यू शुड बी एबल टू शो सम डॉक्यूमेंट सम प्रूफ्स कि आप बच्चे को चाहते हो. दिस डॉक्यूमेंट शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू. इट मे बी अ लेटर, इट मे बी ग्रीटिंग कार्ड, इट मे बी बर्थडे. बच्चे का अगर बर्थडे आता है तो आप क्या बर्थडे में गिफ्ट्स भेजते हैं या कुछ भी. जरूरी नहीं कि गिफ्ट्स बहुत कॉस्टली हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन देर शुड बी सम. आपको बताना बहुत जरूरी है कि आप बच्चे से प्यार करते हैं, यू रियली केयर फॉर द चिल्ड्रंस. Now with all modernization and world getting very closer, becoming smaller, हम flight पकड़ के 3 घंटे में दुबई चले जाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे parents हैं जो out of India भी रहते हैं. इसमें एक बहुत ही famous case है सरिता शर्मा वर्सेस सुशील शर्मा. अब ये केस में ये दोनों बाहर काम करते थे, अमेरिकन सिटीजन्स इनके बच्चे हो गए थे वहाँ पैदा होने की वजह से. अब 2 बच्चे थे वहाँ पर, इनका झगड़ा हुआ इसमें और वहाँ पर विजिटेशन राइट्स वगैरह फिक्स हो गया था, लेकिन सरिता शर्मा बच्चों को लेकर हमारे देश आ गई, भारत देश में आ गई और सुशील जी वहीं रह गए. उन्होंने वहाँ पर वारंट निकलवाया, उनको कुछ भी पता नहीं कि बच्चे को लेकर आ गई. दिस वाज द केस पुट अप बाय हिम एंड व्हेन ही केम टू इंडिया उन्होंने हबियस कॉर्पस डाला, उन्होंने मैटर वेंट अप टू सुप्रीम कोर्ट. तो वहाँ पर ये ग्राउंड लिया गया कि बच्चे अमेरिकन सिटीजन्स हैं, तो इंडियन जो इंडियन कोर्ट्स है और बच्चे हमेशा वहीं रहे हैं और जो इंडियन कोर्ट्स इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते. तो कोर्ट सेड नो, नथिंग डूइंग, इंडियन कोर्ट्स कैन इंटरफेयर इन दिस मैटर्स आल्सो, बट द थिंग इज दैट कि इंडियन कोर्ट्स इंटरफेयर करेंगे लेकिन एक लिमिट के बाहर नहीं करेंगे. बट अगर आपने बच्चों को लाया है वहां से और वो मदर है, तो इसमें मदर वॉज एबल टू शो कि जो सुशील जी थे उन्होंने अल्कोहलिक नेचर था, देन देर वॉज अ डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी बातें थी. तो दो वो सरिता शर्मा कस्टडी मतलब बिना पूछे लेकर आई थी बच्चों को. तो वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला उसमें समझाया भी गया दोनों पार्टी को, बट जो उसका ये कहा गया, जो उसका सार है उस जजमेंट का सरिता शर्मा का, कि इंडियन कोर्ट्स को बार नहीं कर सकते, आप उनका ज्यूरिस्डिक्शन निकाल नहीं सकते. आप आपका मैट्रिमोनियल लाइफ बाहर ले जा सकते हैं, पर लेकिन आपका जो ओरिजिन कंट्री है, आप जहाँ से जो मेन कंट्री आपका वो भारत देश है, तो आप भारत इंडियन कोर्ट्स का ज्यूरिस्डिक्शन निकाल नहीं सकते. तो दो यू मे बी हैविंग चिल्ड्रन आउटसाइड इंडिया, वन ऑफ द पेरेंट मे वर्किंग आउटसाइड इंडिया, दैट डज नॉट मीन, और बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग आउटसाइड इंडिया एंड वन ऑफ द पेरेंट वांट्स टू रिटर्न बैक टू इंडिया, दैट डज नॉट मीन कि इंडियन कोर्ट्स उसके पिटिशन को एंटरटेन ही नहीं करेंगे. ओरिजिन ऑफ द कंट्री हमेशा मतलब नंबर वन पैरामाउंट रहेगा. तो दिस वॉज ऑल्सो टेकन एंड उस जजमेंट्स में भी अगर आप पढ़ेंगे तो जो बच्चे का ये बोला गया था कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड वॉज द फर्स्ट थिंग विच वॉज टेकन, तो माँ के पास बच्चे ज्यादा ठीक से रहेंगे क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस नहीं था, फादर अल्कोहलिक थे, फिर उनके पास कोई ऐसे उनके पेरेंट्स भी ओल्ड थे तो वो रख पाएंगे क्या बच्चे को. तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वापस से सरिता शर्मा, दो शी हैज रॉन्गली टेकन आउट चिल्ड्रन फ्रॉम द अमेरिका टू द आवर कंट्री इंडिया, देन ऑल्सो शी वॉज अवॉर्डेड द कस्टडी. So this was also a very important case. Then there is a Ruchi Maju versus Sanjeev Maju ka bhi case hai. This is also on the same line. So all these judgments say ki bacche ka jo importance hai, wo uski custody ke liye uska welfare dekha jayega. Even though do country bhi hogi, तो भी उसका वेलफेयर देखा जाएगा. ये नहीं देखा जाएगा कि इंडियन कोर्ट्स और अमेरिकन कोर्ट्स का ऑर्डर्स अलग अलग है, वो पहले कोर्ट इंडियन अमेरिकन कोर्ट्स ने पहले ऑर्डर्स दिए हैं, यहाँ कस्टडी वहाँ पर डिसाइड हो चुकी है, तो इंडियन कोर्ट्स इंटरफेयर कर ही नहीं सकते, ऐसा कानून नहीं है. तो ओरिजिन ऑफ द कंट्री विल ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो दीज वर फ्यू जजमेंट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. तो बच्चे की कस्टडी के लिए ये फाइनेंशियल पोजिशन नहीं देखी जाती, ना मदर फादर ये देखा जाता है, ना बच्चों की एज देखी जाती है. वो ये देखते हैं कि बच्चा कहाँ पर पहले से था कस्टडी, और क्या उसकी कस्टडी किसी और को देनी चाहिए, और देनी चाहिए तो उसका कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए कोर्ट के सामने. इफ यू आर अनेबल टू शो,
तो वो नहीं होगा, आपको बच्चे की कस्टडी नहीं मिलेगी। एंड ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, कई बार मेरे पास केसेस आते हैं वो बच्चे को छोड़ के 2-3 साल या 2-3 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी हो जाता है, आई वुड लाइक टू से बहुत पीरियड निकल चुका होता है, उसके बाद कोर्ट में केस आते आते कस्टडी का केस लड़े जाते बहुत समय निकल जाता है। एंड बच्चे का एक एकेडमिक ईयर हो जाता है, बच्चा एक ही जिस समझो फादर के साथ रह रहा है, तो कोर्ट वहां से बच्चा उठा के मदर को भी नहीं देती है। मे बी वो छोटी लड़की भी हो सकती है कि उसको दूध पीता बच्चा भी हो सकता है। तो अगर आप कस्टडी चाहते हैं तो यू शुड बी वेरी विजिलेंट, केयरफुल। ऐसे नहीं कि बच्चा आपकी कस्टडी से आज छीन लिया गया, मे बी पुलिस की मदद से या किसी भी रीजन से, और आप 6 महीने के बाद जाकर लॉयर के पास जा रहे, कोर्ट के पास जा रहे। यू शुड बी वेरी विजिलेंट फास्ट। आपको जो भी एक्शन लेना है बच्चों की कस्टडी के बारे में जल्दी लेना है। सेकेंडली आई वुड लाइक टू से कि आपको विजिटेशन राइट मना नहीं करना है। अगर बच्चे आपके पास कस्टडी में है, अगर आपने विजिटेशन राइट मना कर दिया है तो कोर्ट ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखता है। अगर आपने कोर्ट उठा के ऐसे समय में जब आप मना करते हो तो विजिटेशन राइट मना करते हो, कोर्ट सोचता है कि आप तो बच्चे को एकाधिकार करना चाहते हो बच्चों पे। ऐसे समय में बच्चे कस्टडी का उठाकर दूसरे पेरेंट्स को दिया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट देख रहा है कि आप बच्चे को प्रॉपर्टी या वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट इन आइज ऑफ लॉ, एंड मोरली ऑल्सो इट इज नॉट करेक्ट। तो अगर आपको बच्चे का समर वेकेशन पूरा मांगा जाता है 50% मांगा है, तो फादर को दे देना चाहिए, मदर को दे देना चाहिए, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बिकॉज यू ऑल्सो अंडरस्टैंड। एंड फादर बच्चे को दोनों का वातावरण मिलता है, एंड बच्चे का ग्रोथ के लिए एज अ पेरेंट आई वुड से कि बोथ पेरेंट्स स्टेइंग टुगेदर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कांट स्टे टुगेदर एटलीस्ट गिव अ एटमोसफियर टू देम विच इज गुड फॉर बोथ द चिल्ड्रन। अगर वो बच्चा दोनों के पास रहेगा तो नेचुरली वो कोई ऐसी कुछ चीजें है जो लड़का है तो फादर से कुछ शेयर पाएगा, लड़की है तो मदर से कुछ शेयर कर पाएगी। तो दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू कैन फाइल केसेस, यू कीप ऑन फाइटिंग। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि कितने साल तक चलेगा, तो कस्टडी का केस 18 साल तक चल सकता है, 18 में बच्चा मेजर हो जाता है। बट ऑलवेज रिमेम्बर, आजकल बच्चे 9-10 साल के बाद ओपिनियन फॉर्म करने लग जाते हैं, तो दे कैन ऑलवेज चूज कि उनको किसके पास रहना है। और वंस अ कस्टडी ऑर्डर इज नॉट ऑलवेज कस्टडी ऑर्डर, देर कैन बी अ मॉडिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि एक पेरेंट्स को कस्टडी दे देंगे तो परमानेंट कस्टडी हो जाती है, दो यू मे राइट अ परमानेंट कस्टडी, देर मे बी चेंज इन सर्कमटेंसेस, जैसे अनिल कुंबले के मैटर में हुआ, देर मे बी अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजिशन, देर मे बी चेंज इन द जॉब, देर मे बी अ चेंज, वाइफ को कहीं अच्छा जॉब मिल गया, वो कहीं चली गई डिवोर्स लेने के बाद, और उसका बच्चे का स्कूल यहाँ पर है, एंड वो बच्चे का स्कूल चेंज करे बिना बताए। इन दोज केसेस ऑल्सो यू कैन ऑलवेज अप्रोच द कोर्ट, तो दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर। तो ऐसा नहीं कि वंस कस्टडी एक बार दे दी गई मतलब दे दी गई, ऐसा जरूरी नहीं है। यू कैन ऑलवेज ओपन द कस्टडी। देखिए, कस्टडी और मेंटेनेंस के जो ऑर्डर्स होते हैं वो वापस अपीलेबल होते हैं और वो ऑर्डर रीओपनेबल होते हैं। कस्टडी एंड मेंटेनेंस केसेस एक बार परमानेंटली हो जाता है, कोर्ट को आप वापस से उसको रीओपन कर सकते हैं, बट यू शुड बी एबल टू शो अ गुड रीजन फॉर दैट। दिस वाज ऑल, एंड दी जजमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स नॉट द एज ऑफ द चाइल्ड और योर फाइनेंशियल पोजिशन। आई एम रिपीटिंग दिस, हाउ मच केयर एंड कस्टडी एंड टाइम यू कैन गिव, दैट उस पर डिसाइड होगा कि बच्चे की कस्टडी किस पर आपको मिलेगी।